हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गई हूँ एक नया रेसिपी के साथ जिसका नाम है वेज अल्फ्रेडो। बहुत जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी मैं कैसे घर में बनाती हूँ वही आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने पहले एक पैन को गर्म करके इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर। और बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ मशरूम और पनीर। और इसको मैं हल्का सा फ्राई करती हूँ, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ, नहीं तो इसका जो मॉइस्चर है वो चला जाता है एंड ये मशरूम और पनीर थोड़ा सा चीवी हो जाता है। देखिए थोड़ा सा फ्राई करके मैं एक सेपरेट प्लेट में मैं डाल के रख देती हूँ सेपरेटली। फिर सेम पैन में मैं डाल दिया 1 टेबलस्पून फिर से बटर, और बटर मेल्ट हो जाने के बाद मैं डाल दिया लंबा लंबा पीसेस में कट किया हुआ गाजर, कट किया हुआ बेबी कॉर्न, बीन्स, और इसको थोड़ा सा मिला के मैं फिर से उसमें डाल देती हूँ क्यूब पीसेस में कट किया हुआ प्याज, ग्रीन कैप्सिकम, रेड एंड येलो बेल पेपर, ये भी क्यूब पीसेस में मैं कट करके डालती हूँ इसके अंदर। अगर आप चाहो तो और भी वेजिटेबल डाल सकते हो, पर मैंने मेरे पास यही वेजिटेबल था तो मैं यही वेजिटेबल यूज़ किया। इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद एकदम लास्ट में मैं डाल दिया लंबा लंबा पीसेस में कट किया हुआ टमाटर, और इसको अच्छी तरह से मिला के मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। नमक एकदम लास्ट में मैं डालती हूँ, नहीं तो टमाटर से मॉइस्चर छोड़ जाता है एंड ये जो सब्जी है वो अच्छी तरह से फ्राई नहीं होता। तो नमक डालने के बाद मैं ढक देती हूँ हल्का सा बॉईल होने तक, बहुत ज़्यादा कुक नहीं होगा क्योंकि वेस्ट हेल फ्रीजी में जो वेजिटेबल यूज़ होता है वो थोड़ा सा क्रंची होता है, इसलिए हल्का सा जब बॉईल हो जाए ना तब मैं अलग एक कटोरा में मैं सेपरेट करके रख देती हूँ। तो चलिए अब इसका ग्रेवी जो है वो रेडी कर लेते हैं। फिर एक पैन में मैं डाल दिया 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, और इसमें मैं डाल दिया 1 टेबलस्पून गोटा जीरा और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, और थोड़ा सा ये दो चीज़ थोड़ा सा भून जाए फिर मैं डाल देती हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा मिला के इसमें डाल देती हूँ एकदम से चॉप किया हुआ प्याज, और इसको थोड़ा सा फ्राई करके मैं इसमें डाल देती हूँ एकदम से चॉप बारीक कटा हुआ टमाटर। इसमें टमाटर ज़्यादा यूज़ होता है, मैंने इधर 2 बड़ा साइज़ का टमाटर लिया। फिर मैं इसमें डाल दिया 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। झालफ्रेजी का जो कलर है ना, जो रेड कलर होता है, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर से ही होता है। इसमें कोई तिखानेस नहीं होता है, जस्ट कलर के लिए मैं यूज़ करती हूँ तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। और फिर इसमें डाल दिया मैंने नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया, नहीं तो जो मसाला मैंने डाली थी वो जल जाता। तो इसी टाइम मैं ढक देती हूँ जब तक जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। देखिए ऑयल एकदम से अलग हो गया है, बस इसी टाइम पे जो वेजिटेबल मैंने पहले कुक करके रखी थी उसको मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, और इसको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। एंड मिलाने के बाद मैं फिर से फिर डाल देती हूँ जो पनीर और मशरूम मैंने पहले सौते करके रखी थी वो, इसको मैं बाद में डालती हूँ नहीं तो ये टूट सकता है। और ये अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैं ऊपर से डाल देती हूँ चॉप किया हुआ कोरिएंडर, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ये स्किप कर सकते हैं। और इसको भी अच्छी तरह से मिला के मैं गर्मा गर्म सर्व करती हूँ नान पराठा रोटी के साथ। होप मेरा ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक शेयर कॉमेंट करना भी मत भूलिए। वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।